हार के डर से ज्ञानवापी पर नई दलील। औरंगजेब नहीं था निर्दयी शासक। मुस्लिम पक्ष ने इतिहास पर उठाए सवाल। मुस्लिम पक्ष के लिए आक्रमणकारी हीरो। 350 सालों से चल रहा ज्ञानवापी विवाद जब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। परिसर के सर्वे में मंदिरों के अवशेष मिल चुके हैं और अब शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर देर सवेर फैसला आ सकता है। तो मुस्लिम पक्ष पूरे इतिहास को ही झूठा बता रहा है। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में खलफनामा दाखिल किया है। इसमें मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मुस्लिम आक्रमणकारी के मंदिर तोड़ने की बात झूठी है। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने की साजिश हो रही है। मुस्लिम शासकों को आक्रमणकारी कहना सत्य से परे है। 1669 में औरंगजेब के आदेश से मंदिर तोड़ने की बात झूठी है। बादशाह औरंगजेब किसी भी सूरत में निर्दयी नहीं था। जिस तरीके से कार्बन डेटिंग की बात आई एएसआई के जरिए से पूरी तरीके से, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसलिए मुनासिब नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद हो जो है वो मस्जिद है, अल्लाह का घर है। वहाँ के पहले मस्जिदों में फव्वारे हुआ करते थे, तो वहाँ पर फव्वारा है। और मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है, मैं पूरी तरीके से ऐसी बातों का समर्थन करता हूँ। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलीलें अब तक लिखे गए इतिहास की किताबों से बिल्कुल अलग है। भारतीय इतिहासकारों की किसी भी किताब को अगर उठा लें तो उसमें 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासन सबसे कलंकित और हिंदू विरोधी रहा है। इतिहासकार एक सुर में मानते हैं कि उसके शासनकाल में 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। साल 1669 में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई, जिसके अवशेष अब भी मौजूद हैं और इसका जिक्र मासिर आलमगिरी में भी है। इसके अलावा औरंगजेब ने ही 1670 में मथुरा का केशवदेव मंदिर तोड़ा और ईदगाह मस्जिद बना दी। साथ ही मंदिर का धन भी लूट लिया था। इसके अलावा 1682 में विदिशा का विजय मंदिर तोड़कर आलमगिरी मस्जिद बनाई गई। इतना ही नहीं, 1665 और 1719 में दो बार सोमनाथ मंदिर तोड़वाया गया और हिंदुओं का कत्लेआम करवाया गया। 1928 में भी यह मुकदमा गया था, तब भी इन्होंने इसी तरीके से झूठ बोला था। और उस समय मासिर ए आलमगिरी जब तथ्य के रूप में आया तो उसके पन्ने तक गायब किए, अनुवाद गायब किए। लाखों की संख्या में जिसने धर्मांतरण किया, हजारों मंदिरों को तोड़ा, हिंदू आस्था के केंद्रों को ध्वस्त किया, धर्मांतरण किया, इस देश की बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, कुछ छुपा हुआ है क्या? मुगलों का पूरा शासनकाल रक्त रंजित रहा है। अगर सिर्फ अकबर और जहांगीर के शासनकाल को थोड़ा छोड़ दें, तो बाकी जितने भी मुगल शासक हुए उन्होंने हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाया और इसके सबूत भी मौजूद हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मुस्लिम पक्ष का बिना किसी सबूत का ये तर्क कोर्ट में कितनी देर टिक पाएगा। और सवाल ये भी कि क्या ये सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए एक कवायद भर है। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।